हाय एवरीवन दिस इज़ वुरानिका आज हम बात करने वाले हैं वल्चर के बारे में वर्ल्चर के बारे में मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं आप स्टडी आई पे चेक कर सकते हैं एंडेंजर्ड वर्ल्चर लेकिन यहाँ पे हम बात करें उन वल्चर्स की जिनको कैप्टिविटी में जिनकी ब्रीडिंग कराई गई और फाइनली उनको इन्वायरमेंट में छोड़ दिया गया है ऐसा क्यों किया गया क्योंकि वर्ल्चर्स का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम हो गया था ये सब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं आपकी कोई भी क्वेरी हो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं बाकी आप Uh, ये कोर्सेज़ जो आपको दिख रहे हैं स्टडी आई क्यू के ये आप ले सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं क्योंकि मंथ एंड सेल भी चल रही है हैवी डिस्काउंट आपको स्टडी आई क्यू पर मिल जाएगा बाकी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस चाहे फेसबुक इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर पी डी एफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा अब देखिए वल्चर की क्या कहानी है कि वल्चर्स जो हैं उनका पॉपुलेशन कुछ स्पीशीज़ का पॉपुलेशन तो 99 परसेंट तक नीचे गिर गया ओके okay. अब हम वल्चर्स को बचाना चाहते हैं तो वल्चर्स को बचाने के लिए क्या किया कि अगर ये एक्सटिंक्ट ना हो जाए इनको एक्सटें एक्सटेंशन से बचाना है तो हमने इनको कैप्टिव ब्रीडिंग करवाया कैप्टिविटी में ब्रीडिंग कराया और फाइनली अब जाके इनको इन्वायरमेंट में वाइल्ड में फ्रीली छोड़ दिया ये इतनी आसान बात नहीं है किसी को वाइल्ड में फ्री छोड़ना देखिए क्या होता है टाइगर्स के साथ भी ये चीज़ बहुत बार देखी गई इस पर भी मैंने लेक्चर बनाया था कि अगर हम किसी एनिमल को कैप्टिविटी में ब्रीड कर रहे हैं उसको खुद से खाना दे रहे हैं उसको शिकार करना नहीं आता उसको नहीं पता कि उसका खाना क्या है वाइल्ड में उसको किस तरीके से रहना है इसलिए इसको मॉनिटर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि क्या इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा या ये जिनको कैप्टिविटी में ब्रीड किया है जिन वल्चर्स को ये फ्री हो वाइल्ड में जाके कर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे क्या ऐसा कुछ होगा तो ये सब मॉनिटरिंग चलती है सो इट इज़ नॉट सो इजी अब देखिए एट क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैप्टिव वल्चर्स uh, थे वाइट रंप्ड वल्चर्स जिनको फ्रीली छोड़ दिया गया और फिर देखा गया कि वाइल्ड वल्चर्स के साथ जाके ब्रांचेस में बैठ रहे हैं और कुछ कैर थे जो टीम ने खुद से छोड़े थे डेड बॉडीज़ एनिमल्स की ये उन पर जाके फीड कर रहे थे सो टीम वाज हैप्पी कि ठीक है ये वाइल्ड में जाके इनको पता है कि इनको क्या खाना है किस तरीके से रहना है अब ये रिसर्चर्स जिन्होंने ये किया ये किस ऑर्गेनाइजेशन के हैं बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी बी आगे हम बी की तरह यूज़ करेंगे तो इस तरह से गार्डियन में ये आर्टिकल आया था अब द बर्ड्स वर रेज इन नियर बाई ब्रीडिंग सेंटर बाई बी एन एच एस इन बर्ड्स को बी एन एच एस का एक ब्रीडिंग सेंटर है वहीं रेज किया गया और यहाँ पर जो भी हमारे जिप्स वल्चर्स हैं उनको हम सेव करना चाहते हैं और कुछ को यहाँ पे छोड़ दिया गया देखा गया कुछ जो वल्चर्स थे वो जाके जो उनके वाइल्ड कज़न्स हैं वाइल्ड वल्चर्स के साथ जाके बैठ रहे थे कुछ वापस से जो उनकी जहाँ पे उनको कैप्टिव ब्रीडिंग की गई है वायर मैश एवियरी है वापस वहाँ पे आ रहे थे राइट right? तो इस तरह का एक मिला जुला सीन वहाँ पर देखने को मिला सिमिलरली अगर आप देख सकते हैं कि जनवरी में भी दो तो वाइट रंप्ड वल्चर्स थे वेस्ट बंगाल में और अक्टूबर लास्ट ईयर हरियाणा में नॉर्दर्न इंडिया में वेन एट बर्ड्स वर सेट फ्री फ्रॉम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वर्ल्चर ब्रीडिंग फैसिलिटी आठ बर्ड्स को फ्री किया गया अभी रिसेंटली बक्सा वॉस्ट वेस्ट बंगाल से फ्रीली इनको रिलीज़ किया गया फ्री किया गया और अगर आप जनवरी की बात करेंगे तो वेस्ट बेंगाल में और अक्टूबर लास्ट ईयर हरियाणा में नॉर्थ इंडिया में एट बर्ड्स को फ्री कर वर्ल्चर ब्रीडिंग फैसिलिटी से फ्री किया था ये जो कैप्टिव ब्रेड बर्ड्स हैं इनको वाइल्ड में हम छोड़ रहे हैं इस तरह के कंजर्वेशन एफर्ट्स वल्चर को लेके हमारे ऑलमोस्ट बीस साल हो गए कि शुरू हुए हैं मेन फोकस हमारा एंडेंजर्ड स्पीशीज पे है जिसमें आपका स्लेंडर बिल्ड, व्हाइड रम्प्ड लॉन्ग बिल्ड या फिर उसको इंडियन वल्चर भी कहते हैं ये वल्चर्स आते हैं जिनका पॉपुलेशन ड्रास्टिकली कम हो गया अब एक सक्सेसफुल ब्रीडिंग प्रोग्राम के बाद की ब्रीडिंग तो सक्सेसफुल रही अब हमको देखना है कि क्या इन फोर सेंटर्स से जब हम इनको फाइनली वाइल्ड में छोड़ते हैं तो क्या ये कितना सर्वाइव कर पाते हैं देखिए रिसर्चर्स जो हैं बी के वो ये बताते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के जो वाइल्ड लाइफ रिसर्च पर काम करते हैं कि इंडिया एक समय पे 40 मिलियन वर्ल्चर्स जो हैं नाइनटीन एटीज़ में वो इंडिया में पाए जाते थे लेकिन ये नंबर जो है एकदम कम हो गया 97 परसेंट कम हो गया नाइनटीन में अब ये किसकी वजह से हुआ इससे पहले भी मैंने वीडियोस बनाई हैं लेकिन अभी भी मैं आपको बता दूँ कुछ ड्रग्स हैं जिनके यूजेज की वजह से इनकी पॉपुलेशन गिर गई वो ड्रग्स हैं आपके एन एन एस का फुल फॉर्म क्या है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लोमेटरी ड्रग जैसे कि आपका डाइक्लोफिन हो गया रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी जहां पे मैंने बताया था निम्सुलाइड भी अब ऐसा एक ड्रग है रिसर्च बता रही है जिससे वल्चर्स को नुकसान हो रहा है और ये ड्रग से नुकसान वल्चर को कैसे होगा क्योंकि ये ड्रग्स को हम देते हैं कैटल को या फिर लाइव स्टॉक जो रह लोगों के घर में रहता है उनको ये दवाइयाँ दी जाती हैं जब उनको ट्रीट करने के लिए ये दवाइयाँ दी जाएंगी और उसके बाद इन एनिमल्स की डेथ हो जाएगी क्योंकि वालचर टॉप प्रीडेटर है और स्क्वेंजर भी है ये ओके स्क्वेंजर्स क्या होते हैं जो आपके डेड बॉडीज पे फीड करते हैं डेड एनिमल्स की बॉडी पर फीड करते हैं किसी भी तरह की डेड बॉडीज पे पालसीज में तो कल्चर भी है कि उनको टावर पे जाके छोड़ा जाता है बॉम्बे में अगर आप देखेंगे डेड बॉडीज़ को ताकि लास्ट में वर्ल्च बॉडी को वहाँ पे खाते हैं ओके okay, उनका रिलीजियस बिलीफ है ये एनी anyway, ये जो वर्चर्स हैं इनको स्क्वेंजर्स इसलिए कहा जाता है अब जब ये एनिमल्स की डेथ होगी जिनको हमने ये ड्रग दिया है निम्सुलाइड या डाइक्लोफिनाक तो उनकी बॉडी में निम्सुलाइड या फिर डाइक्लोफिनाक के ट्रेसिस होंगे ये ड्रग इस एनिमल के लिए वल्चर के लिए तो बर्ड के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है और इससे वल्चर्स की डेथ हो जाती है जब वो इस तरह की बॉडीज़ पे फीड करते हैं तो डाइक्लोफिनाक आप देखिए 1991 में डाइको दाएक्ट्रो, डाइक्लोफैक को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया एनिमल्स को इसके डोजेज देने लगे लेकिन बाद में हमने देखा कि हमारे वल्चर्स इससे मर रहे हैं और फिर हमने वेटनरी यूज़ में डाइक्लोफिनाक को बंद भी किया इंडिया का बोवाइन पॉपुलेशन बहुत है 302 मिलियन है अकॉर्डिंग टू 2019 एस्टीमेट एस्टिमेट और ये बोवाइन पॉपुलेशन में आपके कैटल ही आते हैं और वल्चर्स इनकी बॉडी पे फीड करते हैं रिसर्चर्स ने देखा कि इनका नंबर राजस्थान की नेशनल पार्क जो है वहाँ पे पहली बार नोटिस किया गया 1990 में जब डेड और सिक वल्चर्स की ड्रूपिंग नेक्स देखी गई बाद में उनका पोस्टमार्टम किया गया और उसमें देखा गया चाकी वॉट वाइट डिपॉजिट्स उनके ऑर्गन्स में मिले जो विसरल गाउट का साइन थे और उनको पढ़ के पता चला कि डाइक्लोफिनैक उनके टिश्यूज में पाया जाता है एंड दैट इज द रीज़न फॉर द डेथ ऑफ द वल्चर्स नाउ दे फेड द बर्थ बॉफ्लोमीट इंजेक्टेड विद ड्रग एंड नोटिस दैट द डेवलप्ड सेम सिम्टम्स एंड डाइट शॉर्टली आफ्टर तो जब इसको कन्फर्म करने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया तो देखा ये बिल्कुल सही है नाउ इट इज एस्टिमेटेड लेस देन पॉइंट एट परसेंट ऑफ हैड डाइग्लोफिनक इट कैन कॉज दिस काइंड ऑफ क्रैश अब यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो कैटल्स जिनकी डेथ हुई जिन पर वर्ल्चर फीड करते हैं अगर पॉइंट एट परसेंट कैटल की बॉडी में भी इतने परसेंटेज पॉपुलेशन में भी अगर आप आपका डाइक्लोफेनाक के इस तरह का ड्रग पाया जाएगा तो ये जो वल्चर की पॉपुलेशन का क्रैश है जिस तरह का हमने मेजर क्रैश देखा ये होगा बाद में बहुत सारे अलग अलग लोकेशंस पे भी लाइफ स्टॉक की बॉडीज़ को चेक किया गया तो 11 परसेंट जो थी एनिमल्स उनकी बॉडी पर डाइक्लोफिनक देखा गया और तभी बी एन एच एस टीम ने नेशनल इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को बोल के एक वल्चर एक्शन प्लान शुरू किया कि हम वल्चर्स को बचाएंगे इसमें कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम निकाला गया और ये जो इस तरह के एन एस ए आई डीज़ हैं जिससे वल्चर को नुकसान हो रहा है तो कहा गया इस तरह की ड्रग्स को आइडेंटिफाई करो जिससे वल्चर्स को नुकसान ना हो और डाइक्लोफिनक के यूज़ को स्टॉप किया जाए अब जो केयर सेंटर है पिंजोर में उसको ब्रीडिंग फैसिलिटी में कन्वर्ट किया गया बहुत सारी यहाँ पे एवियरीज जिस तरह से आप यहाँ पे मैश वाई वायर मैश देख रहे हैं नेस्टिंग स्पेसेस के लिए वल्चर्स के लिए प्रोवाइड किया गया ग्रेजुअली तीन और ब्रीडिंग सेंटर्स खोले गए वेस्ट बंगाल में असम में मध्य प्रदेश में जो टीम है नेशनल सेंट्रल जू अथॉरिटी की उन्होंने भी कुछ छोटी छोटी फैसिलिटीज़ देश में खोली ओके okay, तो इस तरह से हमने वल्चर को सेव करना शुरू किया आई होप नाउ दिस इज़ क्लियर टू यू कि वल्चर की प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई और अभी हम करंट अफेयर ये पढ़ रहे हैं कि फाइनली जिनको हमने कैप्टिविटी में ब्रीड किया था वो उनको सेट फ्री कर दिया गया है काफ़ी स्पीशीज़ हैं देखिए नाइन स्पीशीज़ हैं वल्चर्स की इंडिया में यहाँ पर नाम आप देख सकते हैं ओरिएटल वाइट ब्लैक वल्चर लॉन्ग बिल्ट वल्चर सिलेंडर बिल्ड वल्चर हिमालयन वल्चर यूरेशियन रिफोन ओके और बाकी की जो चार हैं वो मोनोटिपिक हैं रेड हेड रेड हेडेड वल्चर सार्कोजिपस कैल्विस इजिप्शियन वल्चर बियडेड वल्चर सिनरस वल्चर यहाँ पे पिक्चर्स के हिसाब दे आप देख सकते हो वल्च, वल्चर वर्ल्चर एक्शन प्लान क्या है ये मिनिस्ट्री ऑफ़ इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज ने लॉन्च किया वल्चर एक्शन प्लान ट्वेंटी 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 फाइव ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेलिम्स के लिए वल्चर की कंजर्वेशन के लिए क्योंकि देश में इसको शुरू किया गया ऑब्जेक्टिव क्या है कि डाइक्लोफिनक का मिनिमम यूज़ हो और पॉइजनिंग जो है वल्चर की उसको हम रोक सकें कैटल कैर्किस को इस तरह के ड्रग्स ना दें और वो वाले ड्रग्स उनको दिए जाएँ जो वल्चर्स के लिए सेफ हैं एंड टू कैरी आउट सेफ्टी टेस्टिंग ऑफ अवेलेबल और जितने भी ये ड्रग्स हैं इनकी सेफ टेस्टिंग भी शुरू की जानी चाहिए ताकि हम नए इस तरह के ड्रग्स बना सकें जो वलचस को इफेक्ट ना करें इसलिए जो डी जी आई डी जी सी आई है ड्रग कंट्रोलर जो है हमारे उन्होंने भी एक सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली बनाया गया है उसको सेटअप किया है कि अगर कोई भी ड्रग वलच के लिए हानिकारक साबित होता है टॉक्सिक साबित होता है उस ट्रक को रिमूव कर दिया जाएगा तो यहाँ पहले आपके लिए एक सवाल है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वल्चर्स इन इंडिया वल्चर सेफ जोन जिसको वी एस जी कहा जाता है ये एक जोग्राफिकल एरिया है एटलीस्ट फाइव हंड्रेड किलोमीटर रेडियस पे विच इज जिसका इतना रेडियस होगा विच इज डेजिग्नेटेड एज नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड वल्चर एंड इज मेड ऑफ फ्री प्रेजेंस ऑफ ड्रग डाइक्लोफेनाक इन एनिमल प्रेजेंस फ्री ऑफ द प्रेजेंस जिसमें इस वी एस जी में डाइक्लोफिनाक प्रेजेंट नहीं होगा एनिमल कैयर में आउट ऑफ नाइन स्पीशीज ऑफ वल्चर इन इन इंडिया पॉपुलेशन ऑफ थ्री स्पीशीज जिनके नाम यहाँ पे दिए जहाँ जिनमें ह्यूज डिक्लाइन देखा गया है वल्चर ब्रीडिंग एंड कंजर्वेशन सेंटर कहाँ कहाँ पे इस्टेब्लिश हुए हैं पिंजोर हरियाणा रानी गुवाहाटी बक्सा वेस्ट बंगाल जूनागढ़ भोपाल हैदराबाद भुवनेश्वर इंडिया मूव्ड मोशन इन आई यू सी एन इन टू थाउजेंड फोर फॉर वर्ल्चर कंजर्वेशन तो आप देख सकते हैं ये सारी स्टेटमेंट्स पढ़ के अच्छे से इसका आंसर आप कॉमेंट सेक्शन में दे सकते हैं अदरवाइज टेलीग्राम पर पोल इस पर आप पार्टिसिपेट कीजिए आंसर आपको पता चल जाएगा पी डी एफ भी आपको टेलीग्राम पर मिलेगा uh, बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए अप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए कोर्सेस की जानकारी के लिए स्मार्ट कोर्सेस हमारे ई एम आई पर भी अवेलेबल है आप सारी जानकारी नीचे दिए हुए नंबर्स पर कॉल करके ले सकते हैं थैंक यू सो मच